गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोगों ने क्वेश्चन टैग पढ़ा। क्वेश्चन टैग में पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री, तीन वीडियो मैं दे चुका हूँ। आज क्वेश्चन टैग का पार्ट फोर यानी अगला पार्ट है, जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, यानी हाउ कैन वी यूज सब्जेक्ट इन क्वेश्चन टैग। राइज, कल हम लोगों ने बात की थी लास्ट सेंटेंस में डेयर नॉट और नीड नॉट। मैंने कहा था कि जो डेयर और नीड होता है, नीड और डेयर, ये दो तरह से यूज में आता है, एक मेन वर्ब की तरह और एक आता है ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। मेन वर्ब तब होगा जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा, ऑक्सिलरी तब होगा जब ये निगेटिव या इंट्रोगेटिव में हो। यानी जब सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो ये डेयर और नीड ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं, और जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो ये हमेशा मेन वर्ब कहलाते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस लास्ट में आपको दिया था कि ही नीड नॉट, ठीक, और टू गो देयर, ठीक। और इसका क्वेश्चन टैग मैंने कहा था कि ये जब निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा, यहाँ नीड है तो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब नीड ही रहेगा और सब्जेक्ट होगा ही। ये था, थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर लीजिएगा, वो थोड़ा सा गलती हो गई कि जब ये नीड ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता, यानी यहाँ से हम इस टू को हटा देंगे, ये संशोधन कर लीजिएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने यही कहा था कि ही डेयर नॉट और टू प्ले अ मैच, ये था। और मैंने इसका क्वेश्चन टैग कहा था डेयर ही, तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो डेयर के साथ नॉट लगा है, जैसे कैन नॉट, मस्ट नॉट, मतलब नॉट डायरेक्ट आता है तो उसके बाद मेन वर्ब होती है, यहाँ टू का प्रयोग नहीं होगा। ये गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको आप संशोधन कर लीजिएगा। चलिए तो आज का टॉपिक पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ कैन वी यूज सब्जेक्ट इन क्वेश्चन टैग। यानी क्वेश्चन टैग में हम सब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं। जैसे अगर हम पहली बात करें तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वही होता है जो उसके पहले वाले सेंटेंस का होता है। जैसे हमने कहा कि ये सेंटेंस आपका दिया है और ये आपका इंट्रोगेटिव होगा और ये सेंटेंस आपका असर्टिव होगा, असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव, इस इंट्रोगेटिव को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो अगर हम यहाँ कहें तो जो सब्जेक्ट यहाँ होगा वही सब्जेक्ट हमें यहाँ चाहिए। जैसे अगर यहाँ प्रोनाउन आई है तो क्वेश्चन टैग में भी हमारा सब्जेक्ट आई होगा, यहाँ यू है तो यहाँ यू होगा, यहाँ ही है तो यहाँ ही होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कह दें यू नो मी और हमने कहा डोंट आई। अब आपके अनुसार इसमें क्या गलत है? तो यू नो मी, डोंट आई, अगर देखें तो यहाँ मेन वर्ब है, डोंट सही है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट कौन है? यू है। तो जब यहाँ सब्जेक्ट यू है तो यहाँ भी सब्जेक्ट हमेशा यू होना चाहिए, यानी आई नो मी इसको होना चाहिए, डोंट यू। मान लीजिए अगर हम दूसरा सेंटेंस ले लें, She cooks food, और क्वेश्चन टैग बना दें doesn't he, तो आपके अनुसार इस सेंटेंस में क्या करेक्शन है? सब्जेक्ट कौन? She, यहां सब्जेक्ट कौन? He, गलत है। जो सब्जेक्ट असर्टिव सेंटेंस में होगा वही सब्जेक्ट हमारा इंट्रोगेटिव या हम कह सकते हैं क्वेश्चन टैग में होता है, यानी सी कुक्स फूड
और इसको हमें कहना चाहिए था doesn't see. ये चलिए अब दूसरी बात करते हैं. अगर क्वेश्चन टैग में कोई नाउन हो तो हम असर्टिव सेंटेंस में अगर कोई नाउन है तो हम इस क्वेश्चन टैग में इस नाउन के अनुसार प्रोनाउन ही सी इट या दे इनमें से कोई मांगता है. एक बार फिर से सुनिएगा. अगर असर्टिव सेंटेंस में कोई नाउन है तो क्वेश्चन टैग में इस नाउन के अनुसार सब्जेक्ट के रूप में ही सी इट या दे इनमें से कोई एक प्रोनाउन मानेंगे. जैसे हमने कहा राम इज माय फ्रेंड और फिर मैंने कह दिया इजंट आई. अब यहां मैं सब्जेक्ट के रूप में राम लिखा और यहां मैंने सब्जेक्ट क्या लिखा आई, जो सेंटेंस गलत है. यानी जब यहां राम है तो यहां भी सब्जेक्ट के स्थान पे यानी इसका प्रोनाउन होना चाहिए. कभी कभी एग्जाम में राम इज माय फ्रेंड और इजंट राम ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये भी गलत माना है क्योंकि पहले वीडियो में भी मैंने कहा था कि क्वेश्चन टैग में कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता, बल्कि नाउन के स्थान पे इस नाउन के अनुसार यानी राम इज माय फ्रेंड इजंट इस राम के अनुसार राम के लिए ही ये होगा. चलिए अब तीसरी बात करते हैं. जैसे तीसरा ये है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन असर्टिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के रूप में वन आ जाए तो क्वेश्चन टैग में भी सब्जेक्ट वन होगा. अगर देयर दिया हो असर्टिव में तो क्वेश्चन टैग में भी वन हो देयर होगा. लेकिन अगर असर्टिव सेंटेंस में दिस या दैट हो सब्जेक्ट के रूप में तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट हो जाता है इट. और अगर दीज या दोज हो तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट हो जाता है दे. जैसे भाई हमने कहा वन शुड डू वंस ड्यूटी. मैंने कहा इसका क्वेश्चन टैग मान लीजिए मैंने क्वेश्चन टैग बना दिया शुडंट और मान लीजिए मैंने यहां लगा दिया ही. और मैंने कहा क्या गलत है वन शुड डू वंस ड्यूटी अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग नेगेटिव यहां तो सही है लेकिन यहां सब्जेक्ट कौन है वन और यहां सब्जेक्ट कौन है ही. हमने कहा जब सब्जेक्ट असर्टिव में वन हो तो क्वेश्चन टैग में भी वन ही होगा. यानी वन शुड डू वंस ड्यूटी शुडंट वन. ये मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लें और मान लीजिए अगर हम ऐसे कह दें कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल और इसका क्वेश्चन टैग मान लीजिए अगर हम ऐसे बना दें कि इजंट इट. अब आपके अनुसार यहाँ क्या गलत है असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट देयर और यहां सब्जेक्ट कौन आ गया इट गलत है. यानी देयर इज ए बुक ऑन द टेबल और यहां होना चाहिए isn't. जब यहां देयर है तो यहां भी सब्जेक्ट देयर. यानी जब असर्टिव में वन हो सब्जेक्ट के रूप में वन हो तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट वन ही होगा. जब असर्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर हो तो क्वेश्चन टैग
का भी सब्जेक्ट बेयर होगा। अब उसी तरह दिस और दैट सब्जेक्ट होने पर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट मान लेंगे, दिस दोज का दे मान लेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें कि दिस इज माय पेन और मैंने कहा इजंट, और मान लीजिए मैंने लिख दिया इजंट ही, ये अब मैंने पूछा बताइए इसमें गलत क्या है, तो दिस इज माय पेन, दिस असर्टिव में सब्जेक्ट है, तो जब दिस असर्टिव में सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होता है, यानी यहाँ सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग होगा, यानी दिस इज माय पेन इजंट इट, ये होगा। मान लीजिए दूसरा ले लें, हमने कहा दीज आर बॉयज और मान लीजिए क्वेश्चन टैग मैंने कहा आरंट इट, ये तो जब दिस दैट हो तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट इट होगा, और जब दीज दोज है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दीज, तो यहाँ दे होना चाहिए, यानी दीज आर बॉयज aren't दे, ये हाँ। अगर एक बात और करते हैं कि जैसे हटा देते हैं, फिर से देखते हैं, जैसे मान लीजिए वन है और दिस या दैट है, दीज या दोज है, और इनके बाद कोई नाउन आ जाए, क्योंकि कभी कभी इनके बाद नाउन लगा होता है, तो जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो इस क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वो इस नाउन के अनुसार, यानी क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट होगा वो इस नाउन के अनुसार, क्या ही सी इट या दे, कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें कि वन बॉय, और मान लीजिए कह दें वन बॉय कैन डू इट, और क्वेश्चन टैग बना दें कांट वन, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। क्यों? जब नाउन ना होता तब ये प्रोनाउन, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो यहाँ भी इंडेफिनिट प्रोनाउन वन ही होता, लेकिन अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, तो यानी यहाँ सब्जेक्ट कौन है, बॉय, तो इस बॉय के अनुसार यहाँ पर ही होना चाहिए, यानी वन बॉय कैन डू इट, कांट ओ बॉय है तो ही, ये मान लीजिए। दूसरा एग्जांपल ले लें, ऐसे कह दें दिस मैन ऑलवेज डिस्टर्ब मी, और कह दें डिडंट इट, तो इसमें अगर देखा जाए तो दिस के साथ यहाँ मैन है, अगर ये नाउन ना होता तो दिस के अनुसार वहाँ इट सही था, लेकिन जब नाउन आ जाता है तो इस नाउन के अनुसार सब्जेक्ट यहाँ लगता है, यानी यहाँ मैन के लिए वहाँ ही होना चाहिए, यानी दिस मैन ऑलवेज डिस्टर्ब मी, और यहाँ होना चाहिए था डिडंट मैन के अनुसार ही, ये। या मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लें, ऐसे कह दें दोज बॉयज आर
गुड और यहाँ कह दें aren't और मान लीजिए यहाँ aren't ही कह दिए तो वैसे नाउन यहाँ बॉयज है तो दोज के लिए भी वहां सब्जेक्ट दे ही होगा लेकिन नाउन है तो नाउन के अनुसार चलते हैं बॉयज है तो बॉयज के अनुसार यहाँ प्लूरल में दे होना चाहिए यानी दोज बॉयज आर गुड aren't they yeah. Hey guys, तो आपने पढ़ा कि क्वेश्चन टैग में हम सब्जेक्ट का यूज कैसे करते हैं सब्जेक्ट कैसे लाते हैं फिलहाल अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है अभी इसमें एक वीडियो हमें और बनाना पड़ेगा फिलहाल आप घर पर रहें और वीडियो देखते रहें और इसी से पढ़ते रहें और ओके फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बाय.